Hi guys, how are you? Today is sad and breaking news. बेबो की रोशनी, उनको जान से मार देने की धमकी, उनको कॉल की गई, थ्रेट दिया गया और उनको कहा गया आपके बेटे को घर से उठा लिया जाएगा, आपको उठा लिया जाएगा, आपको मार दिया जाएगा, आप जो सतारा के खिलाफ सबूत डाल रही हैं वो डालना आप बंद कर दें। अब कुछ लोग हैं जो उनको धमकियां दे रहे हैं और बेबो ने जो है वीडियो में बैठ कर उन्होंने कॉल की, पुलिस से बात की और सब कुछ उन्होंने वो शो कराया। अभी आप देखेंगे इस वीडियो के अंदर क्लिप में कि वो किस तरह 15 पुलिस वालों से हेल्प मांग रही या मदद मांग रही है। कुछ लोग मुझे धमकियां दे रहे हैं, अगर वो मेरे डोर के बाहर आ गए, मुझे कुछ कर दिया, मेरे बेटे को कुछ कर दिया तो आप पुलिस को मेरे घर में भेजे। जो लोग मुझे धमकियां दे रहे हैं, जो मुझे फोन कर रहे हैं, जो मुझे थ्रेट कर रहे हैं, जो मुझे परेशान कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस इज बैड न्यूज। और जो मुझे जान से मार देने की धमकियां आई थी, मैं भी सोच रही थी कि ये लोग कहीं से सामने आए, इन लोगों का मुझे पता चले कि ये लोग हैं कौन, क्योंकि जो कॉल आती है ना वो हमारे फोन में रिसीव होती है, उसका बकायदा से डाटा निकलता है, ये हर चीज का मुझे पता है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो की रोशनी। तो अभी यहाँ पे मैं 15 पे कॉल करूंगी आप लोगों के सामने। ये देखें, मैंने 1 और 5 मिला लिया, इस कॉल को मैं यहाँ पर रिकॉर्ड करूंगी। मुझे जान से मारने की धमकी आई है, पुलिस हेल्पलाइन पे मैं कॉल कर रही हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर कैसे हैं आप? ठीक है जी। आप 15 से बोल रहे हैं? जी 15 से पंजाब पुलिस। जी मैं रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। सर मुझे थ्रेट मिले हैं किसी की तरफ से, मुझे जान से मार देने की धमकी मिली है और वो लोग हो सकता है कि मुझे उठाने को, मेरे बच्चे को उठाने को, मेरे घर आने को, बकायदा उन लोगों ने हमारे चैनल है यूट्यूब पर ना, बकायदा उन लोगों ने वीडियो भी डाल दी है और मेरे पास उनकी जो रिसीव कॉल आई वो पूरा डाटा आप मेरे मोबाइल से ले सकते हैं कि मैंने किसी को कॉल नहीं की, उन लोगों ने मुझे कॉलें की है मार देने के लिए। ठीक है, मेरी जान को खतरा है इस वक्त। ठीक है जी, मुझे कॉल पे धमकी दी है कि तुम्हें उठा लेंगे, तुम्हें मार डालेंगे, मुझे और मेरे बच्चे को। ठीक है जी। तो यहाँ पर उन्होंने मुझसे मेरा नाम पूछा था, मेरे घर का एड्रेस पूछा था, जो कि मैं 15 वालों को बता रही थी, और जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड की तो मैं उसी में बता रही थी, और यहाँ आके फिर मैंने वीडियो को डिलीट किया और वो चीज मैंने यहाँ से म्यूट की, और ऊपर मैंने अपना वॉइस ओवर किया कि यहाँ पर मैंने अपने घर का एड्रेस दिया था पुलिस वालों को, और उसके अलावा मैंने अपना फुल नेम बताया था जो कि मेरा आईडी कार्ड पर है। मुझे सात का बाद लगता है। जी मेरा एक YouTube चैनल है और इन लोगों के भी चैनल है, और चैनल के ऊपर ये लोग बहुत इन्होंने गंद मारा हुआ है। एक सितारा यासीन नाम की औरत है कराची से, ठीक है, उसने बहुत ज्यादा गंद मारा हुआ है और मैं इस चीज को रोकने की कोशिश कर रही हूँ कि गंद रुक जाए। वो भी औरत है, लेकिन जिन्होंने मुझे धमकियां दी वो मर्द है। उन्होंने मुझे कहा हम सितारा यासीन के है और ये एक गैंग वाले लोग है जिन्होंने मुझे धमकियां दी, वो मर्द है। बकायदा उनकी वीडियो भी मैंने डाउनलोड करी जिसमें वही नंबर जिससे मुझे कॉल ले आएंगे वही नंबर लेके वो बता भी रहे थे कि ये देखो, वो मुझे सारा समझाने की कोशिश कर रहे थे। वो जब वीडियो आप लोग देखेंगे तो पुलिस वाले अच्छी तरह समझ जाएंगे कि ये लोग मुझे क्या कहना चाह रहे थे। जी 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 FIA में तो सुबह जाना पड़ेगा, लेकिन अभी जो मैंने 15 पे कॉल कर दी, अगर मेरे गेट पे कोई आ जाता है जी, आप मुतलका थाने में बताएं, थाने वालों को बोले मेरे साथ रब्ता करें प्लीज जल्दी जरा। ओके थैंक यू सो मच। ये 15 कॉल थी जो मेरे कैमरे में भी रिकॉर्ड हो चुकी, मेरी वीडियो में भी रिकॉर्ड हो चुकी, और जिस नंबर से मुझे थ्रेट आई है वो नंबर जो है वो यहाँ पर मैं बताऊंगी वक्त आने पर, और वो कौन लोग थे, वो चैनल वाले लोग और बदमाशों। अब लगेगा पता कि तुम कैसे धमकी देते हो और कैसे तुम एक औरत को उठाते हो और कैसे तुम मेरे बेटे को